महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यकारिणी समिति की 12वीं बैठक आहूत की गई। इस दौरान भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गोरखपुर के पार्षदगण मोतीलाल चौरसिया और अनिल गुप्ता का विगत दिनों हुए आकस्मिक निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। शोक सभा के दौरान पार्षदगण, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारीगणों द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई तथा इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को आत्मसंबल प्रदान करने की कामना की गई। इसके पश्चात महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा बैठक को स्थगित करने के पश्चात बैठक के आगे की तिथि निर्धारित करने पर सूचना देने की बात कही गई। इस अवसर पर उपसभापति अजय राय, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, कार्यकारिणी सदस्य आलोक कुमार सिंह, आनंद वर्धन सिंह, अभिषेक कुमार निषाद, रमेश यादव, शकुन मिश्रा, अपर नगर आयुक्त जीके सिन्हा, संयुक्त नगर आयुक्त अवनीन्द्र कुमार, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और पार्षदगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, शक्ति प्रदान करें।
विभिन्न मुद्दों को लेकर सम्मानित कार्यकारिणी सदस्यों के साथ मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन अकस्मात ज्ञात हुआ है कि हमारे नगर निगम के सम्मानित दो पार्षद का निधन हो चुका है और हमारे देश के यशस्वी माननीय राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। इन तीनों लोगों को नगर निगम परिवार के साथ अपने कार्यकारिणी सदस्यों, पार्षदों, उपसभापति, हमारे नगर आयुक्त महोदय ने इनको श्रद्धांजलि दी है, उन्हें नमन किया है, उन्हें याद किया है, इसलिए आज ये बैठक समाप्त कर दी गई है। अगली बैठक सूचना देकर शीघ्र बुलाई जाएगी। जो कुछ पार्षदों ने अपने एजेंडे दिए हैं उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, उसे शामिल किया जाएगा।